अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त है और इस वक्त अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा हो गया, मगर काहली में अभी तक कुछ किया नहीं है। बाल बिखरे हुए आप देख रहे हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। कॉफ़ी पी रहा था मैं, ये रही तो कॉफ़ी पीने के बाद फिर तैयारी शैयारी पकड़ेंगे। माशा तैयार होना शुरू हो गया होगा। ये साहब बैठे हुए हैं साथ में, बिल्लू है, बिल्लू ने सुबह दूध वूध पिया अपना, उसके बाद आराम से बैठा है। खातून आ गई हैं जो घर में सफाई करती हैं, उनको दिखाता हूँ बैकग्राउंड, ये रही। वो घर की सफाई वगैरह कर रही हैं, उसके बाद फिर हम आप पीछे नजर आए। अच्छा ये बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो इस गर्मी में भी कॉफ़ी पीते हैं? मुझे लगता है कि मैं कॉफ़ीहॉलिक हूँ, तो चाहे कितनी गर्मी हो कुछ हो कॉफ़ी ज़रूर पीता हूँ, और वो ज़रूरी है मेरे लिए कॉफ़ी पीना। तो एक कप ही होता है वैसे, जब ये मौसम चेंज होता है और ये सर्दी की तरफ आता है तो ज़्यादा कॉफ़ी भी पीता हूँ, लेकिन आजकल कम ही पी रहा हूँ सिर्फ। ये सलाम कर दो भाई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सुबह बखैर। वैसे तो सुबह हुए, काफ़ी टाइम हो चुका है। और कितने काम हो चुके हैं? कितने काम हो चुके हैं, नाश्ता हो चुका है, अब तो ऑफिस की तैयारी है। अभी तक मेरा कमरा बेडरूम वैसे ही पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें वो अभी सफाई होगी, सारी इधर देंगे, यहाँ पे ये फैला हुआ है और डस्टिंग वगैरह अभी सारी इसकी होनी है। अम्मी इस वक्त अपने बेडरूम में हैं और पर्दे भी उठाने रही हैं, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हीट अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और आज से कह रहे हैं कि हीट वेव बाकायदा से शुरू होनी है। चलें फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, देखते हैं आज का दिन आगे क्या होता है। आज कई लोगों से मीटिंग्स हैं मेरी, दुआ करिएगा कि वो मीटिंग मेरी कामयाब हो। चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर। वेलकम। इस वक्त बजे हैं तकरीबन शाम के 4:30-5 बजे, एक मीटिंग थी मेरी 2 बजे, इंतहाई गर्मी में, शदीद गर्मी में वहाँ से होकर आ रहा हूँ। दुआ करिएगा कि प्लीज़ जिस मीटिंग के लिए गया था वो कामयाब हो जाए, और कुछ मुझे काम दिया है उन्होंने थोड़ा सा कि वो करके मैं उनको दिखाऊँ। दुआ करिएगा कि मैं अपने मकसद में पूरा हूँ। लाइट इस वक्त चली गई है एज़ यूजल, और परेशान बैठे हुए हैं कुत्ते सारे बेचारे, उनकी गर्मी बहुत है। आज इतनी शदीद गर्मी थी कि घर के अंदर बैठे बैठे भी सत्यानाश लगे जा रहा था। हम्माद से आज बिल्कुल मेरी ऑफिस में बात नहीं हुई है, मेरे ख़्याल से उसका भी दिन आज काफ़ी बिजी है और हैक्टिक जा रहा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कल अम्मी की सर्जरी है सिस्टरस्कोपी की, एज सच सर्जरी तो नहीं है, एक प्रोसीजर है वो। दुआ करिएगा कि अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और अम्मी दोबारा से बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि मेरे ऊपर अम्मी की तबीयत का जो ख़राब होने का जो बोझ है वो मेरे ऊपर बहुत शदीद रहता है, और अम्मी की ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है ना मैं बिल्कुल बेहाल होने लगता हूँ। अच्छा आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स की देखभाल करते हैं, वो बताएं कि जो एक माँ बाप के बहुत से बच्चे होते हैं, अब वो एक मशहूर मिसाल है कि बहुत से माँ बाप, दो माँ बाप बहुत से 3-4 बच्चों को पाल लेते हैं, मगर 3-4 बच्चे भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये किस हद तक सही है? क्योंकि मैं जब से मेरी माँ की एज हुई है वो, और मैं ज़ाहिर बात है मैं बड़ा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ उनको। मेरा जो भाई है वो शहर में नहीं रहता है, दूसरे शहर में रहता है, तो उनकी सारी टेक केयर, लुक आफ्टर सब मुझे ही करनी पड़ती है। तो मैं अब मुझे ये फील होता है कि मैं अपनी माँ की का पेरेंट बन गया हूँ, मुझे उनको उस तरीके से टेक केयर करना पड़ता है जिस तरह पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं। अच्छा मुझे उनकी बीमारी पर मुझे परेशानी भी इसी तरीके से होती है, जिस तरह के औलाद जब बीमार होती है तो पेरेंट्स इस तरह परेशान होते हैं।
आप में से कितने लोग हैं जो इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं और आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। लेकिन मैं मुझे एक बात का अंदाज़ा है कि दुनिया में हर रिलेशनशिप मिल सकता है आपको, औलादें चार मिल सकती हैं, पाँच मिल सकती हैं, बीवियाँ मिल सकती हैं, बीवियों को शौहर मिल सकते हैं, मगर पेरेंट्स खुदा का वो तोहफा है जो एक ही दफ़ा मिलता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो देख रहे हैं मेरे इस वक्त के व्लॉग को, अगर उनके पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें प्लीज़, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है, पेरेंट्स नहीं हैं, मैं उस ज़िंदगी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, मेरी ज़बान फंबल कर रोने लगती है, बिल्कुल उस ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहता जिसके अंदर मेरी माँ ना हो। मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम मेरी माँ है, बाकी और रिश्ते उसके बाद हैं। हाँ, दूसरे नंबर पे है रोज़गार, क्योंकि अगर मेरे पास रोज़गार होगा अच्छा, जब ही मैं अपनी माँ को अच्छी टेक केयर कर सकूँगा। चुप हो जाओ गिल्लू, बाखामोश, बाहर जाते के साथ ही शोर शुरू हो जाता है ना, आए गए पे भौंकना इसकी ज़िम्मेदारी है। चले अब जब हम माँ आता है तो फिर दोबारा इस व्लॉग को स्टार्ट कर। हाँ, क्या हुआ, क्या हो गया, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, बहुत कम होना है, बहुत कम होना है, यस बोलो या नो बोलो, नो नो ये ससुमा अंदर बैठा हुआ है और अम्मी भी साथ बैठी हुई हैं। अभी अम्मी को दवा दी थी मैंने तो लाइट गई भी अभी आई नहीं है। सिम्बा को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो भी अभी यहाँ आ गया है, पहले अंदर बैठा हुआ था अपने बच्चों के साथ। तो बात बन गए हो सिम्बा, सिम्बा बेटा, आर यू फादर, दूध पी लिया है इसने और अभी यहाँ बैठा है। बड़ी कोशिश की मैंने कि जाके अपने कमरे में सो जाए जहाँ इसके बीवी बच्चे हैं, मगर ये वहाँ जाने को तैयार ही नहीं, इसको इधर ही रहना है साथ ही। चलें जी, लाइट आ गई, मैं फ़ोन अब चार्ज पे लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा वीडियो बनाता हूँ। इस वक्त ये हालत है कि हमारे घर गैस आनी बिल्कुल बंद हो गई है और क्या कहते हैं, ये हमाद बाहर से एक तगारी में कुछ कोयले और लकड़ियाँ डाल के लाए हैं, उसके अंदर ये चावल पक रहे हैं। पतीली पतीली उनको काली हो गई है, वो साफ हो जाएगी, तो हाँ बुरा आशा लगा। अब देखें चावल पकते नहीं पकते, क्या होता क्या, शायद पक जाए, शायद पक जाएंगे, पक जाएंगे, क्यों नहीं पकेंगे। हाँ, फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में। लकड़ी के चूल्हे पे इतने ही चावल पक सकते थे कि सिर्फ वो चावल ही पक सके और कुछ भी नहीं। कब से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी आग लग जाए, मगर जी वो आग तो लग ही नहीं पा रही, मगर दिल में आग लग रही है बहुत बुरी तरीके से। और दिल की आग के ऊपर अगर कबाब सिक जाएँ तो क्या ही बात है, लेकिन बुरा हशर लगा हुआ है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं और हम अब तक खाना नहीं खा सकें क्योंकि गैस चली गई है। मतलब अजीबोगरीब टर्मोइल्स हैं इस मुल्क में, मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानियों ने कसूर क्या किया है, ये समझ में नहीं आता कि टैक्स हम पूरे दें ना दें तो आप बज़ोर शमशीर निकलवा लेते हैं, इनकम टैक्स हम पे करें, सेल्स टैक्स हम दें, जीएसटी हम दें, बिजली के बड़े बड़े बिल हम दें, रोड टैक्स हम दें, मोटर व्हीकल टैक्स हम दें, यू नेम इट एंड वी हैव इट और वी गेव इट, जितने टैक्सेस हैं वो सब दे रहे हैं, पै दर पै दे रहे हैं, इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, नो गैस, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, नो सिक्योरिटी, नो रोड्स, नो लॉ एंड ऑर्डर, नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई। समझ में नहीं आता कि ये टैक्सेस का जो भंडार है ये है किस लिए, ये कहाँ जाते हैं पैसे, और अगर किसी बग़ैर हुकूमत के ये मुल्क चल सकता था तो ऐसे ही चल सकता था जैसे चल रहा है, अब शायद इससे ज़्यादा बेहतर चल जाता अगर कोई हुकूमत ना होती। दिस इज़ समथिंग रियली बैड। आप में से किस किस को यही जो भी मेरी बात से मुत्तफिक है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, क्योंकि आई हैव रियली गॉट पिस्ड ऑफ। ये समझ में नहीं आता ये आखिर प्रॉब्लम है क्या, गैस हर दूसरे तीसरे दिन बंद, मतलब इन्हें नहीं पता कि 8-8:30 बजे लोगों के घर खाना पक रहा होता है, उस वक्त गैस बंद करने का वजह क्या है।
और वो बेचारा हम्माद कोशिश कर रहा है कि किसी तरह आग लग जाए और खाना पक जाए, ना आग लगेगी और ना खाना पक पाएगा। इसमें लोग बीमार भी हैं, परेशान हैं, मिलते हैं भाई, किसी तरह आग लगाते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कुछ पक जाए हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर बाद दोबारा मिलता हूँ जी। तो इस रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं अपने रूम में आ गया हूँ। जैसे तैसे कच्चा पक्का जो खाना था वो खा लिया है। हम्माद आज बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए वो ब्लॉग में नहीं आ सका। हाँ, वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर, तो बहुत ही हैक्टिक दिन है, ना बिजली ना गैस, पानी का इंतज़ार भी करते करते वो पता है बहुत लेट पानी आया, वो भरा फिर प्लांट्स में डाला। खैर, यही लाइफ है पाकिस्तान की, यही लाइफ है एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी की। इसी तरह से तकलीफ़ें उठानी है, इसी तरह से घिसना है, इसी तरह से रगड़ना है और आखिर में मर जाना है। चले, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। कोशिश थी कि ब्लॉग इंटरटेनिंग हो, मगर इंटरटेनमेंट कहाँ है मेरे जैसे आदमी की लाइफ में, ये मुझे भी नहीं पता। चलें, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ व्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिस तरह मैं पिस्ड ऑफ हूँ इन हालात से, आप में से कितने लोग हैं जो इन हालात से इसी तरह पिस्ड ऑफ हैं। खुदा हाफिज़।